नमस्कार दर्शक बंधु, घर बैद कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु आनी शतपथी। दर्शक बंधु, जेतेबेले आमे परिबा हाटकु परिबा किणिबाकु जांती, जे पर्यंत धनिया पत्र रो बिडाटिए आमे किणि नाहंती, लागे सत्य जेमिति आमर परिबा किणा शेष ही हे नाही। खाद्य को सुगंध युक्त करिबा पई, खाद्य को स्वाद युक्त करिबा पई, खाद्य को सुंदर भावरे सजेबा पई ए धनिया पत्र को आमे व्यवहार करिथांती। तबे धनिया पत्र काहेकि गोटा धनिया बा सुखा धनिया को मध्य आमे खाद्य प्रस्तुति समय मसला भावरे व्यवहार करिथांती। जे पर्यंत धनिया पत्र बा धनिया व्यवहार हे नै, से पर्यंत लागे जेमिति आमर खाद्य प्रस्तुति शेष हे नै। तेबे एही धनिया पत्र बा गोटा धनिया कौन केवल खाद्य प्रस्तुति रे ही व्यवहार करा जाए ना, यार अनेक किछि औषधीय गुण रही, आमर अनेक किछि उपकार रे एहा मध्य आसी थाए। तेबे से सबु कौन से विषय विस्तृत भावरे आलोचना करिबा पई आज आम गहण रे उपस्थित अछंती आमर डॉक्टर शुभदास सर। कार्यक्रम को स्वागत करूछि। नमस्कार। नमस्कार सर। आमे जेतेबेले परिबा किणिबा पई हाट को जांती, समस्तंकर ई अनुभूति निश्चित भावरे थिबो जे शेषरे धनिया पत्र गोटे दिटा बिडा आमे निश्चित भावरे उठेबा, कारण धनिया पत्र बिना लागे जेमिति आम खाद्य रे पूर्णता ही आसे नाही। तेबे धनिया पत्र को बा धनिया को कोन केवल खाद्य प्रस्तुति पई ही व्यवहार करा जे नै, आमे सेई कथाटी आगुरु कहिथिले जे एमिति केनोसी गोटे लता नाही, साग नाही, वृक्ष नाही, बृहत मुख्य नाही, जहाँ औषधीय गुण ना, खाली आम जाणी दरकार एवं जाणिकी आम सठिक भाव में सठिक अनुपान सठिक उपाय व्यवहार करने दरकार। जो भाई भोनी माने हमरा बाहर रहउचंती, राज्य बाहर रहउचंती किंबा देश बाहर रहउचंती, से माने याकु केउ नारे डाकी थांती बा कौन कहिले से माने चिन्ह परिबे? हाँ, आम से तो जीवा कि आगर लोक मान धनिया विषय टी कहीदबा जे धनिया मुख्यतः शरत ऋतु बेसी आम अंचल होता है, आम प्रदेश में होता है। शरत ऋतु धनिया गछटी आम चटनी कर खाई था, गछटी बेसी बड़ हो न था, छोट छोट गए यह धनिया परिचय। आउ जदि आम विभिन्न राज्य अनुसार भाषा अनुसार या जानवाक चाहिए आम उत्कल ओडिशा रे धनिया बोली कही था, बंगला रे धने बोली कही था, एवं हिंदी रे कोथमीर बेली कही था, एवं संस्कृत रे ताकु धान्यक बेली कही था। अच्छा, बहुत सुंदर ना, ना रे भिन्नता रही किंतु यार कार्यक्षमता सब जगह रे सब स्थान रे समान रही थाए। यह एक सर गुण्म जातीय गछ। हाँ आज्ञा। यार सर द्रव्य गुण कौन रही? द्रव्य गुण कहिले यह कषाय, उष्म बीर्ज्य एवं अग्निदीपक, यहीपरि भाव में द्रव्यर थिबा गुण मानक परिलिखित करा जाइछि। पोषक तत्व विषय सर जदि आलोचना करिबा कोन कोन सब पोषक तत्व आ भितरे रहिछि? हाँ, एथरे मुख्यतः भाव में आम देखि थाउ कि विटामिन सी थाए, विटामिन के थाए, आउ जोटा आम बेसी बजार रे बर्तन मिलुछि प्रोटीन। तो प्रोटीन आम जो किणिकी अनेक प्रकार केमिकल मिसेक अनेक स्थान में बिकुंट, तो से प्रोटीन के आम न खाई जदि प्रत्येक दिन धनिया सेवन करवा आम प्रचुर मात्रा प्रोटीन से निहाती भाव में विभिन्न प्रकार विटामिन्स मिनरल्स आधार पाइपर। तेरे सर जदि आम रोग विषय आलोचना करवा, आम समस्ते धनिया पत्र को सर जमी आपड़ कहले चटनी भाव में व्यवहार करती कि खाद्य प्रस्तुति में खाद्य को सुंदर भाव में सजेवाई ही व्यवहार करती, किंतु यार अनेक किसी औषधीय गुण रही से विषय आम एत मात्रा अवगत नुहति। को रोग हेले आम धनिया पत्र को किपर भाव में व्यवहार करवा? अनेक गुड़े रोग पाई वर्णना करा, किंतु समय अनुसार तो आम सब रोग कहवापी संभव हेबो नाही, किंतु मुख्यतः जो जो रोग गुड़ाक देखा जाए लोक मान जीवनशैली भितर देखा जाए, आज आम से विषय आलोचना करवा। आम आज ज्वर रोगी पाई कि उपाय कह, अतिसार रोगी कि उपाय कर, जीभ घा एवं निद्रा जो मानू हो सुख निद्रा प्राप्त पाई किसी उपकार करवा, एवं स्मृति शक्ति बढ़ापी देहर रक्त जदि कौन सी बाटर देहर रक्त जापर एमती आम अनेक उपाय विषय आज आलोचना करवा, जहाँ लोक मैंने जदि लेखिकी रखती निजपाई व्यवहार करती निश्चिंत भाव सी गोटे बड़ समस्या को सहजरे दूरे दे पारिबे। कारण प्राथमिक अवस्था जदि आमे गोटे रोग को आम ठार दूरे दबा,
तबे ताहा ओ विशाल हेबो नहि एवं ताहा हम पय क्षतिकारक हेबो नहि। रोगर सर उपशम करबा अपेक्षा हमकु रोगर निराकरण करबार आवश्यकता रहिछि। तबे सर जेहेतु एबे शीत दिन आरंभ हे गलाने शीत दिने धनिया पत्र मध्य हमकु बहुत मात्रा रे मिलि थाए। धनिया पत्र को हम व्यवहार करंती किंतु तार टिके प्रक्रिया बा तार व्यवहार करबार शैली को जदि हम टिके बदलै देबा ताले हमकु रोगर मध्य मुक्ति मिलिबो। एही शीत दिने सर गुटी प्रमुख समस्या हेउछि ज्वर। छोट पिलांक ठारु आरंभ करी वयस्क व्यक्ति समस्ते थंडा ज्वर काश कफरे आक्रांत होइथांती। तो सही ज्वररु जेपरि भाबरे आपण कहिले कि ज्वररु मध्ये आमकु मुक्ति मिलिबो, सही ज्वररु मुक्ति पाइबा पई धनिया को आमे किपरि भाबरे एवं केउ प्रक्रिया रे व्यवहार करिबा। हां, ज्वर विषय जदि आमे कहिबाकु जिबा मुख्यतः मु ए धनिया रो जो पद्धति वर्तमान कहिबी, जदि आपणक देह रे बहुत उत्ताप अछि आमे देखि थाउ गोटे गोटे ज्वर समय रे जनजनकर देहटी बहुत जोर ताती टेम्परेचरटा बहुत अधिका थाए, आमे विचलित होइपुरु कोन करिबा से समय आपण जमा विचलित होबा दरकार नै। गोटे सूक्ष्म उपायटा मु आपण मानक बतौछि, आपण माने लेखि रखंतु बहुत टेम्परेचर रहूछि रोगीटी देह रे कोन करिबे उपायटी लेखि रखंतु। आपण कोन कले ना धनिया नै गले गोटे चमच ताको भल भाव टे गुंड करी पानी रे 4 घंटा पर्यंत बतुरे रखि दिंतु। से पानी के आपण छाणी नियंतु, छाणिकी ताधरे मिश्री गुंड आपण चिमुटाए किंबा 2 चिमुटा मिसाई दिंतु। मिसेकी ताको भल भाव मिसाइकी ताको सेवन करंतु। दिनकु 3 थर सेवन करिवे। उत्ताप जदि आपणकर आसुची अधिक मात्रा रे तेबे आपणकर देहरु झाळ बाहरिकी आपणकर टेम्परेचर टी सांगे सांग कमी जिवो एवं रोगी टी सुस्थ अनुभव करिवो। सर आमे जो टेम्परेचर को कमेबा पई पारासिटामोल खाउचंती ता परिवर्त आमे याकु ए प्रक्रिया को व्यवहार करि परिबा? नै, आपण पारासिटामोल जदि आवश्यक होछ खाई परिबे। जदि आपण पाखरे से सुविधा नाही, राती रे हटात आपणकु ज्वर आसिला किंबा आपणकर ज्वरटा रागी रहूची, आपण पारासिटामोल सहित मध्ये आकु खाई परिबा। उत्ताप जेतले अधिका हे जीव देहरे बा टेम्परेचर बढ़ी जीव मने रखंतु आपण काहाकु पचारीबा दरकार नाही। संगे संग रोगीटर संपूर्ण शरीर को आपण ओदा कपड़ा देहरे पोछि नियंतु। एटा निश्चिंत भाबरे करिबे आपण कोउ औषध भी खाइबा पई ताकु दियंतु। ता सहित आपण ओदा कपड़ा रे पोछिबा रे किछि असुविधा नाही। ज्वर सहित आउ गोटे साधारण रोग बा साधारण समस्या कहले अत्युक्ति हेबो नाही। विशेषकर शीत दिने मध्य एहा देखा जाए ता होची अतिसार। छोट पिला मानक पाखरे मध्य समस्याटी देखा जाए, बारंबार सेमानकु झाड़ा हुए, पतला झाड़ा हुए, बहु परिमाण रे झाड़ा हुए। सेही क्षेत्र रे माँ माने बहुत व्यस्त हो पड़ती, बहुत अधैर्य मध्य हो पड़ती। सेही क्षेत्र रे ए धनिया को आम व्यवहार कर परिबा? हाँ, गोटे बहुत भल जोगटी अच्छे अतिसार पाई, जोटा कि आपन को मु खाद्य पाई बतई देबी। एटा औषध हिसाब से तो काम दब, आप खाद्य हिसाब से मध्य काम दब। कौन करिवे ना आपन धनिया नै आसंतु। धनिया को आपन उसुना चाउल एवं पानी देकर भल भाव बाटी दियंतु। बाटी देकर ताको आपन जाऊ प्रस्तुत करनियो। धनिया पत्र ना सर गोटा धनिया? गोटा धनिया, सुखा धनिया, सुखा धनिया, सुखा धनिया। ता सहित कौन कले आपन ना उसुना चाउल और पानी आपको आणिकी आप जाऊ प्रस्तुत करनी। आपको खाद्य जमी खाऊँ सेमती खातु। यह आपणकर अतिसार रोकवा सहित आप गोटे अतिसार झाड़ा समय गोटे खाद्य आपण जलीय अंश कमी दबना। तो आपण ये सामान्य कथाटी करी आप रोगर उपशम पातु और खाद्य हिसार व्यवहार करूँ। आज्ञा सर, अतिसार रोग जो छोट पानी वयस्क लोक मैंने समस्त सेवन करेंगे किसी असुविधा नहीं। तेज सर आरंभ परि भाबरे अनेक किछि रोग विषय कहुतले जे धनिया द्वारा आमको उपकार मिलिबो। सेही भली एक रोग होउछि परिस्रापोडा। अनेक समय महिला मानक पाखरे ए समस्याटी देखा जाए, छोट पिलांक क्षेत्र रे मध्ये समस्या देखा जाए। आम मानक सर गोटे धारणा रहिछि जे जदि पेट गरम होउछि ताले परिस्रापोडा हबो। आमको उपदेश मध्ये मिले जे पानी कम पिउछ सेतपय परिस्रापोडा होउछि, पानी प्रचुर मात्रा रे पियो। एहा पछरे कोन सत्यता रहिछि आउ धनिया द्वारा आमको लाभ कोन मिलिबो? पानी पिबार आवश्यकता रहिछि परिस्रापोडिबा समय रे। जेतेबेले आमे रोग विषय आलोचना करिबा, कारण यह एक
लंबा कथा हो तो परिसर पोड़े आम धनिया उपकारिता विषय लोक मानद कि परिसर जब आप पोड़ा हो समय पानी टी पीवा अधिका करूँ पानी जमी आप खाद्य को आम कहे जे प्रत्येक दिन ये खाद्य खावा दरकार पानी से भाव शरीर को आवश्यकता रही आप सठिक भाव में पीएं तेणुक धनिया उपकारिता गोटे विशेष भाव बता जाए परिसर जदि आप पोड़ा होता सहित मुझे रखे जदि देह जलापोड़ा आप उपाय टी अवलंबन कर समस्या को दूर करें कौन करेंगे धनिया 10 ग्राम मिश्री 20 ग्राम ये दुईटा जिनसको आप छेचिक पानी में बतुरे रातिर रखि दिंतु घोड़े रात घोड़े रखि दिंतु सकालू आपको भल भाव चकटिकी छाणी से पाटी को पी दिंतु यहीपर भाव आप 10 रु 15 दिन पर्यंत करने द्वारा आप देखिए आपणकर परिसर पोड़ा जनित समस्या दूर होपणकर देह पाद हाथ जो लोक मान पोड़ा हुए से समस्या दूर हो आकु पीवा सहित आपण राशि तेल जड़ा तेल सोरिष तेल घी ए चारोटी जिनस राशि तेल जड़ा तेल सोरिष तेल घी ए चारोटी जिनस समपरिमाण आणिकी जदि आपणकर पाद हाथ पोड़ा होउछि बा देह पोड़ा होउछि आकु मध्ये आपण एटाकु सेवन करिबा सहित ताकु लगांतु देखिबे विशेष भाबरे उपकार मिलिबो। खाली पेटरे आमे सेवन करिबा सहित एही जो तेलर मिश्रण को आमे देह सारा देह रे मसाज करिबार आवश्यकता रहैछि एंता कारण सर एटा गोटे बहुत प्रमुख समस्या समस्त पाखरे समस्या टी देखा जाए थे परिसरा पोड़ा गोटे सहज सरल उपाय टी आम व्यवहार करके मुक्ति पाईपर धनिया सर आउ किछु उपकारिता अच्छी किंबा आम यहाँ आउ कौनसी उपाय रे व्यवहार करी परिबा। हाँ लोक मैंने तो विभिन्न प्रकार चा पीऊँच आम लोक मानक आज गोटे धनिया चा बतईदे जोटा कि आप पीएं सर अदा चा पीएं गोलमरीच चा पीएं आज धनिया चा पीवा धनिया चा पीवा द्वारा कौन हम ना आम जमी कहते आधे जो पोषक तत्व अच्छे से पोषक तत्वटी आपर एक ग्लास पा नि एक चामच धनिया चूर्ण ताधे मिशात एक ग्लास पा एक ग्लास धनिया ये दुईट जिनस को हाल्का निरें पकईक आप फुटातु जेतले फुटी फुटी जीव ताधरे आपण क्षीर एवं चीनी दे परिबे ए दुईट जिनस मिसेकरी ताको आउ टिके फुटेकरी आपण सेवन करंतु आ द्वारा कौन हम ना आपण जो चा पीउचंती जदि अभ्यास अछि ए चा टिके आपण अभ्यास रे पकांतु देखिबा आ द्वारा आपणकर हजम शक्ति बढ़िबो भोक मध्ये बढ़िबो आपणकर आम दोष बा पित्त जनित समस्या जदि अछि तार भी समाधान हम तेंकरे आपण आकु पीबा द्वारा आपणकर एते गुडे जिनस भल होउछि एवं आपण जो चा पीउचंती से अभ्यासटी मध्ये धीरे धीरे आपणकर दूरै जीवो हमर स्वास्थ्य पय मध्ये निश्चित भावरे हितकारक एवं आपण जो अभ्यास रही ना मुझे चा न पीले हेनी आप चाटा पीले आपण को स्वास्थ्य जनित समस्या समाधान हेबो एवं आपण अभ्यास बद अभ्यास जो अच्छी सेटा मध्ये दूर गोटे खराब अभ्यास को बंद करने आ गए भल अभ्यास को आपण ना पड़ो बहुत सुंदर कथा सर कहले तेज सर आप आरंभ कहते जदि आम जीभरे घा हो जीभजनित किसी समस्या रोचे आम धनिया पत्र मध्यम कि धनिया मध्यम उपकार पाई किपर भाव में सर आम व्यवहार करवा आपण कौन करंतु ना धनिया को चिकण कर भल भाव बाटि दबा आग धनिया गोटा धनिया गोटा धनिया को आम चिकण करके ताको बाटि देले ताले किछि समय पूर्व सर बतुरे के तो रखिबा को पड़िबो हां बतुरे रखि दबा किछि समय पूर्व बतुरे के रखिकरि ताको चिकण कर बाटि देकरि से पेस्ट ताको नेकरि आपणकर जिभरे जोटि घा हेछि से जागा रे ताको धीरे धीरे घसिबा ताको 5 रु 7 मिनिट पर्यंत आपण घसंतु देखिबे किछि लाळ अंश भळिया मध्य बाहरिबो एवं ताको काढि नियंतु 5-7 मिनिट पर एमती छाड़ी देकरी पुणी आपण 5-7 घंटा पर आउ थरे घसी पारिबे एमती आपण जिभगा भल हवा पर्यंत 2-3 दिन पर्यंत करंतु देखिबे उपकार निश्चिंत मिलिबो दिनरे सर 2-3 थरे ए प्रक्रिया करि परिबा किछि असुविधा नाही आज्ञा एटा सर समस्त मध्य किंतु बाटीबाटा टिके चिकण हवा दरकार जते आमे ताको पतला करि बाटीबा ता कामटी बहुत भल तेनो हमकु शिलरे सर बाटले भल हमकु लाभ मिलिबो धनिया पत्र रो कोन कोनसी उपकारिता बा लाभ नाही औषधीय क्षेत्र रे हां निश्चिंत भाव रे अछि आमे एबे जो रोगटी आमे कहिबाकु जाउचे सेतरे धनिया पत्र आवश्यकता ना किंतु धनिया पत्र कौन आवश्यकता अच्छी मुझे आगे जो कही कही जी आपण मैंने लिखि रखिए निश्चिंत भाव में धनिया पत्र अनेक आवश्यकता अच्छी तो एबे जो रोग विषय आम लोक मानक जनइबा से स्मृतिशक्ति वृद्धि अच्छा पिला मानको पाई निहाती दरकार समस्त को दरकार कारण आजिकल जी कथा मन रखा पड़ू मु तो कही रखिए लोक मानू जी पासवर्ड है मन रखापी स्मृति शक्ति आवश्यकता लोक मान बर्तमान विशेष भाव दरकार है तो आम कौन करवा ना आप धनिया 125 ग्राम धनिया 125 ग्राम आने अल्प कुटी दिंतु
दरकुटा करदे 500 ग्राम पानी रे रात बतुर रखिद लिखत आपण मैंने 125 ग्राम धनिया को 500 ग्राम पानी सहित आपण बतुर रात रखिदे सका निरे बसईक हालाका हालाका फुटातु से हालाका फुटिकी जिते तार एक चतुर्थांश रहा पाटा ओल्लद ओल्लि तेरे मिश्री 125 ग्राम देदे मिश्री 100 ग्राम देक शिरा भाया आम पाक करदे शिरा पाकटा को ओल्लि थंडा हालापर गोटे जारे बंद कर रखिद प्रत्येक दिन राति शोला बेले एथरु 2 चमच आपण माने सेवन करंतु देखिबे आपणकर मुंडो बुलेइबा स्मृति शक्ति जदि आपण कमी जाउची किंबा आपण किछि कथा ठीक भाबरे मने रखि पारु नाहंती ए सबु समस्यार समाधान आपे आपे हे जिवो आपण केवल एई पद्धतिटिकु व्यवहार करंतु या गुजर हम संरक्षण करके बेसी दिन जाय मध्ये रखि परिबो थरे बने देखि रखि परिबो किछि दिन किंतु मु कहि रखिबाकु चाहे जेहेतु एटा गोटे सहज एवं सरल उपाय धनिया आम पाखे सब बेले उपलब्ध मिश्री आम पाखे सब बेले उपलब्ध आमे अधिका गुडे न करिकि सेई 15-20 दिन मासक पय आमे बनेकि रखिले ताकु सेवन कले आउ सरी आस्तिबो पुनी आउ गोटे बने देकि आमे रखि दै परिबा छोटो पिला मानको पय एहा सर मेधा शक्ति वृद्धि भाबरे काम करिते किंतु सर जो वयस्क व्यक्ति माने अछन्ती वयस वृद्धि सहित समानकर मध्यम स्मरण शक्ति से क्षेत्र करूँ कि दुई बेला सका थे सन्धार थे तेनालीरिया जिनस फरक निजे जापर आपण सर आरंभ कही रखिथिले जे निद्रा जनित जदि समस्या रहुचि ताहाले आमे धनिया को व्यवहार करि परिबा सर आजिर जो हमर जीवनशैली हेइ गलाणी लेट रे सोइबा लेट रे उठिबा खाद्य जो आमे खाउचंती सेथिरे बहुत किछि अनियमितता रहुचि जादरा आमे अनेक किछि जीवनशैली जनित रोगर शिकार हेउचंती सेति मध्यरु निद्राहीनता बा सुख निद्रा न हेबा गोटे हेउचि अन्य कारण तबे ए क्षेत्र रे धनियार को अंश को आमे किपरि भाबरे आ केमिति व्यवहार करिबा आपणकर शोबार समय जोटा अच्छी आप 10 साढ़े 10 जो समय आपंट तार ठीक 1.5 घंटा पूर्वर जो धनिया पत्र कथा आप कहते ये धनिया पत्र उपकारिता मुझे लोक मान रखे जे धनिया पत्र रस अधकप ताधे किसी मिसेवा दरकार नहीं केवल से धनिया पत्र रस अधकप आपण सोइबा समय 1.5 घंटा पूर्व सेवन करंतु देखिबे उपकार निश्चिंत मिले खाद्य ग्रहण करिया पूर्व ना खाद्य ग्रहण करिया पर रात्रि भोजन पूर्व आपण नै पारंते रात्रि भोजन परे नै पारंते किंतु मु कहिबे 1.5 घंटा पूर्व तो के खाऊ कि अपेक्षा करनथियो सोइबा पय तंकर खाइबा पूर्व नै गले ठीक हो अर्थात हम संध्यावळी होई प्रक्रियाटा कर दबाटा हे उचित हबो आज्ञा आ गोटे उपाय आपदे जदि आप घर पाखे कौटी डिम्बिरी गच अच्छी छोट डिम्बिरी गच्छे उपाड़ी आणतु डिम्बिरी गचर चेर को भल भाव धोईदे चिकण कर बाटिक पी नियंतु तार 1/2 घंटा पर धनिया रस 3 चमच मिश्री गुंडा टी मिसेक आपड़ी पारती जदि एमती करेंगे तेल कौन हम ना आप शरीर परिश्रा बाटे रक्त जाऊ बा नाकुर रक्त पड़ू जेको बाटे आप शरीर जदि रक्त जात्णात 15-20 मिनट भितर बंद होवल डिम्बिरी छोट डिम्बिरी चेर एवं 1/2 घंटा पर धनिया पत्र रस एवं ता सहित मिश्री गुंडा आपड़ कर देखते उपकार निश्चिंत मिले निश्चित भाव सर जेहेतु आम समस्त हाथ पात आम रोसई घरे धनिया रही था सब बड़े उपलब्ध रही था आउ धनिया पत्र जदिव सीजनाल अटे शीत दिन ही केवल मिलता है किंतु बारमासी धनिया मिल जाऊँगी आजिकल किसी असंभव नुह यह आम व्यवहार करेक रोग उपशम पाई बहुत सुंदर भाव में सुंदर प्रक्रिया आपको बतईदे केपर भाव में व्यवहार कले आमको लाभ मिल से विषय में जनईदे से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आमे आमर दैनंदिन जीवन रे धनिया पत्र को व्यवहार करुछंती धनिया तो व्यवहार करुछंती किंतु आजिठारु आपण माने टिक्के तार व्यवहार करिवार शैली को बदलै दियंतु तार प्रयोग को टिक्के बदलै दियंतु देखिबे आपणको आहुरी अधिक लाभ मिलिबो जहा किछि छोटो बडो आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या रहिछि से सबु समस्या आपण मानकर दूर होइजिवो आपण माने एक सुस्थ सुंदर निरोग एवं निरामय जीवन आगु को अतिवाहित करि परिबे समय जेछि कार्यक्रम को एठ रखुछि विदाय दियंतु नमस्कार। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।